पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है और बायोडाइवर्सिटी के टाइप्स कौन कौन होते हैं। आज हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता के महत्व क्या हैं। तो देखिए, महत्व तो बहुत है मगर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो हैं वहीं पढ़ते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है कि मनुष्य को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए जैव विविधता को सुरक्षित रखना अत्यंत आवश्यक है। और ये क्यों है? तो देखिए, जैव विविधता हमारे भोजन, कपड़ा, औषधि, ईंधन आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखिए, हमने पढ़ा है कि जैव विविधता क्या होते हैं, यानी कि जीवों के अलग अलग रूप। अगर ये अलग अलग रूप नहीं होते तो हमारी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे होती? तो इसीलिए जैव विविधता हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं की वजह से हम भोजन कर पाते हैं, अपना कपड़ा बना पाते हैं, या हमको औषधि मिल पाता है, ईंधन मिल पाता है, और भी बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट कार्य को पूरा करते हैं। ठीक है, जैव विविधता पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होती है। अभी पारिस्थितिक संतुलन को कैसे बनाए रखेगी? तो जैसे हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में कि अनेक ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, ट्रॉपिक लेवल पर अलग अलग प्रजातियाँ पाई जाएंगी, अलग अलग बायोडाइवर्सिटी होंगी और अलग अलग चीज़ों का या अलग अलग लेवल का अलग अलग कार्य होगा। तो अगर हम एक फूड चेन का एग्जांपल लें तो उसमें हम देखते हैं प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, तो वे सभी क्या करते हैं? वो संतुलन को बनाए रखते हैं। अगर उनमें से कोई एक चेन हट गया तो पूरा संतुलन खराब हो सकता है। ठीक है, तो वो जैव विविधता के चलते जो प्राकृतिक संतुलन या पारिस्थितिक संतुलन होता है वो बना रहता है। और इसके अतिरिक्त यह प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा आदि से राहत प्रदान करती है। वैसे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के या बायोडाइवर्सिटी के इम्पोर्टेंस तो बहुत कुछ है मगर उतना हम पढ़ते हैं जितना हम याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता का वितरण। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें बायोडाइवर्सिटी का तो हम देखते हैं कि जीवों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, उनके बेस पे भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो देखिए, विश्व में अब तक ज्ञात जीवित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.8 मिलियन है। ठीक है, जो ज्ञात हैं, जो ज्ञात नहीं है वो अलग हैं, यानी जिसके बारे में जानकारी प्राप्त है तो वो कितनी है, उनकी संख्या है 1.8 मिलियन। ठीक है, विश्व में पाए जाने वाली स्पीशीज में 70% से अधिक ज्ञात प्रजातियां जंतुओं की है, यानी कि जातियां या जंतुओं की हमने देखा कि जितनी भी संख्या है टोटल है 1.8 मिलियन। इसमें पादप भी आ जाएंगे, जीव जंतु जगत भी आ जाएगा, तो उस टोटल को मिलाकर है 1.8 मिलियन। और 1.8 मिलियन का 70% सिर्फ जंतुओं की प्रजातियां है। ठीक है, जंतुओं में कुल स्पीसीज का लगभग 70% कीट पतंगों का है। पहले तो हम देखें कि पादप और जंतु मिलाकर टोटल प्रजाति है 1.8 मिलियन और उस 1.8 मिलियन का 70% किसका है, तो वो जंतुओं का है। और फिर जंतुओं के टोटल में 70% सिर्फ इंसेक्ट्स का है, ये प्रजातियां हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन सी प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं और पूरे वर्ल्ड में कौन कौन सी प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं। इन इंडिया यानी हमारे भारतवर्ष में, तो भारतवर्ष में लगभग 45,000 पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं
इनमें से 17,500 पुष्पी पौधे हैं, ठीक है। यानी सिर्फ पौधों की प्रजातियां देखा जाए भारत में तो वो कितना है, तो 45,000, ठीक है। और उनमें से सिर्फ पुष्पी पौधे हैं 17,500, ठीक है। अब देखिए, भारत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवी पादप तथा प्राणियों की स्पीशीज की संख्या निम्न है, वो आपको एक चार्ट में देखने के लिए मिलेगा। ये हमने 11th में भी पढ़ा है, और यहाँ भी हम देख लेते हैं कि भारत में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव पादप प्राणी के स्पीशीज की संख्या क्या है या कितनी होती है, ठीक है। तो अभी तक हमने देखा कि सिर्फ भारत में पौधों की या जंतुओं की या सूक्ष्म जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। उसी तरह हम देख लेते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं। तो देखिए, रॉबर्ट मे के ग्लोबल अनुमान के अनुसार विश्व की मात्र 22% स्पीसीज का ही पता लगाया जा सका है, ठीक है। यानी कि 100% में से केवल 22%, ठीक है, स्पीसीज का पता लगाया जा चुका है, जो कितनी है, तो 1.8 मिलियन, ठीक है। अभी सिर्फ 100% में से 22% ही पता है रॉबर्ट मे के ग्लोबल अनुमान के अनुसार। बाकी जो बच गए आपके 78%, उनका पता लगाया जाना अभी बाकी है। तो जैसे हमने देखा कि भारत में कौन कौन स्पीशीज कितना पाया जाता है, उसी तरह हम देखते हैं कि पूरे विश्व में जीवों की पाए जाने वाली स्पीशीज की संख्या क्या है और कितनी है, ठीक है।